देश में कोरोना की तीसरी लहर का दिखने लगा है असर। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के ताजा मामलों में बड़ा उछाल। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 496 नए मामले, ओमिक्रॉन वेरिएंट से 165 बीमार। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर डीडीएमए की मीटिंग, एलजी बैजल और सीएम केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू एक घंटे और बढ़ा दिया गया, अब 11 की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों पर सरकार ने बजाई है पीली खतरे की घंटी, सिनेमा स्पा जिम बंद, दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली में बंद किए गए स्कूल और कॉलेजेस, बाकी के दूसरे शिक्षण संस्थान भी निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम किया जाएगा। दिल्ली में बस, मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार समेत 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल, स्पोर्ट्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुंबई भी कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ से सहम गई है, 24 घंटे में 1377 नए मामले आए हैं, ओमिक्रॉन से 167 संक्रमित। ओमिक्रॉन ने 28 दिनों के भीतर 22 राज्यों में पसारे हैं पांव, देश में अब तक 653 बीमार हैं, 186 की तबीयत ठीक। राजस्थान में 24 घंटे में 97 कोरोना के नए मरीज, सिर्फ जयपुर में 75 मामलों से सतर्क हुआ है प्रशासन। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर सरकार सतर्क है, एक दिन में 80 मामले कोरोना प्रभावित राज्य घोषित। नोएडा में भी बढ़ने लगा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में आए हैं 28 नए मामले। पुडुचेरी में पहुंचा ओमिक्रॉन का वायरस, 2 लोग संक्रमित पाए गए। तेलंगाना में 7 ओमिक्रॉन के नए मामले, कुल 62 बीमार। गुजरात में भी तेजी के साथ फैल रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, एक दिन में 5 नए मामले, अब तक 78 मरीज। केरल में भी बेकाबू हो रही है ओमिक्रॉन की रफ्तार, 64 पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित, प्रिंसिपल सहित 4 और पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराए गए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी खबर, सरकार ने 2 और टीके, कोबोवैक्स और कोर्बीवैक्स को मंजूरी दी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में चुनाव आयोग की टीम का आज दूसरा दिन, सभी जिलों के डीएम, एसपी और फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। यूपी में सीएम योगी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, फरुखाबाद, अमरोहा में चुनावी यात्रा, गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा की महिलाओं से शक्ति संवाद, घरेलू चुनौतियों से लेकर राजनीतिक टक्कर पर बात होगी। उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की उम्मीद। कानपुर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरा, बिना नाम लिए पीयूष जैन का हवाला दिया। हरदोई में अमित शाह की रैली में यूपी की जीत का दावा, बोले 300 का आंकड़ा पार कर देगी बीजेपी। बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में चुनाव में बीएसपी ने भी लगाया जोर, गोरखपुर में सतीश चंद्र मिश्र ने किया जीत का दावा, कहा पूर्वांचल से होगा बीजेपी का सफाया। समाजवादी विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर लगाया विकास के कामों का श्रेय लूटने का आरोप। उत्तराखंड के औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। दिल्ली में फिर बरसे बादल, जानलेवा ठंड से नए साल का स्वागत। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे ओले, पारा और लुढ़का। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला है मौसम का मिजाज, तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। महाराष्ट्र के अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर ओले पड़ने की खबर। यवतमाल में भी भारी बारिश, खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान हुआ। औरंगाबाद में बरसे ओले, बारिश ने रबी की फसलों को बर्बाद कर डाला। बैतूल में भी मौसम का बदला है मिजाज, ओलावृष्टि से बढ़ गई है ठंड, सब्जी की खेती को नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़ी है ठिठुरन, लोग घरों में दुबके।
चलता फिरता अभेद किला है पीएम मोदी की नई मर्सिडीज बेंच कार, हर खतरे से सुरक्षित है, कीमत है 12 करोड़। यूपी में शायर के टाइटल बदलने पर गरमाई है सियासत, यूपीएच एससीएस की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी हुए हैं अकबर प्रयागराजी। ओवैसी ने शायरों का टाइटल बदलने पर योगी सरकार को घेरा है, ट्वीट में लिखा शहर क्या शायर क्या, बाबा बदल रहे हैं सबका नाम। मध्य प्रदेश के सागर में टीचर एसोसिएशन का अनोखा प्रदर्शन, एसडीएम रैंक में ऑफिसर की बहाली का जोरदार विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील खाकर 48 बच्चे बीमार हुए हैं, अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए पति और ससुर ने महिला पर ढाया है जुल्म, वीडियो वायरल हुआ। बाड़मेर में दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ धरने पर बैठी। सीतामढ़ी में नहीं थम रही है डकैती की वारदातें, दो घरों में डकैतों से सहम गए हैं लोग। फरीदाबाद में चापानल के मामूली से विवाद पर चचेरे भाई की हत्या, मामला दर्ज किया गया, आरोपियों की तलाश। उज्जैन की धर्मशाला में छात्रों के साथ मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। लखनऊ विधानसभा के बाहर छात्रों का हंगामा, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। राजस्थान के झालावाड़ में परीक्षार्थियों का बवाल, पर्याप्त बसों का इंतजाम नहीं होने को लेकर हंगामा। सड़क हादसे में घायल हुआ सहदेव दिर्दी, बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा हिट हो गया था। शाहजहांपुर में 700 ग्राम मॉर्फीन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है करीब 3 करोड़ रुपए। इंदौर में डीएसपी ने एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की, मकान निर्माण के दौरान बीएमडब्ल्यू कार पर धूल गिरने के बाद नाराज था। हरियाणा के पलवल में सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, सड़क नहीं बनाए जाने से नाराज था परिवार। पटना के होटल में सेक्स रैकेट कमांडर फोर्स, शराब के साथ ही युवक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की चाकू से गोदकर हत्या, पानी की निकासी को लेकर झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बिहार के गैंगस्टर सुरेश तिवारी को दबोचा, हत्या के 3 मामलों में था आरोपी। दार्जिलिंग में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद आग, 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। गया में बेखौफ लुटेरे, सरेरा बदमाशों ने पुलिस के सामने एक शख्स को लूटकर फरार हो। अमरावती के एक अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। मेडिकल स्टोर में लगी आग ने बच्चों के अस्पताल तक ये आग भड़की, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला। असम के सिलचर में बेकाबू कार ने 11 साल के बच्चे को मारी टक्कर, अस्पताल में हालत नाजुक। फतेहपुर में स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका। सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, अब तक 146 की बढ़त। पहली पारी में भारत ने बनाया 327 रन, दक्षिण अफ्रीका को 197 पर समेटा। भारत की तरफ से शमी ने चटकाए 5 विकेट, टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए। शमी टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने। ऋषभ पंत ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे तेज विकेट लेने वाले विकेटकीपर बने। बठिंडा के गुरुद्वारे में एक महिला का हंगामा, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झारखंड के हजारीबाग में महिलाओं ने के ग्रुप ने कमाल कर डाला, कंपनी बनाकर एक साल में बेचे 2.5 करोड़ की सब्जियां। कोरोना की नई गाइडलाइंस के बाद शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को बढ़ाया गया, ट्वीट करके जानकारी दी। केरल के कोझिकोड में पतंग महोत्सव का आयोजन, रंग बिरंगी पतंगों से पटा है आसमान। विशाखापट्टनम से 11 जनवरी से चलेगी टूरिस्ट ट्रेन वाइब्रेंट गुजरात, साउथ के सैलानियों को गुजरात के दर्शन कराएगी।